जमाना बहुत अजीब हो गया, ये फितना का दौर है, ये मौलवी लोग का कदर खत्म हो गया, उलामा का सब लोग पेशाब का पीछे पड़ गया। सब लोग बोलता है तुम मेरा पेशाब देखिएगा, तुम बोलेगा हाँ यार तेरा पेशाब तो बहुत अच्छा है, ये मौलवी लोग तो 8 साल बर्बाद करता है। मेरी वाइफ ने मुझे टैक्स किया, कहता ये मीर साहब ये बार बार पेशाब पेशाब क्यों हो रहा है, सारी औरतें परेशान है। मैंने वापस टैक्स किया, मैंने कहा मेरी जान गौर से सुनो, वो पीर साहब कह रहे हैं। पीर साहब उलमा को छोड़ के पीर साहब के पीछे पड़ गए। तो हमारे शमसी साहब एक दफा जो है वो बयान मुजाकरा हो रहा था उनका, जो 11 बजे से 12:30 तक होता है ड्यूजबरी मरकज में, तो मुजाकरा करते करते उनके सामने एक साहब बैठा था, वो पान चबा रहा था। तो शमसी साहब उनको कहते हैं, कहते भाई इज्तिमाई अमल है, आप पान चबा रहे हैं। तो आगे से कहने लगा हम फान क्यों नहीं चबाएगा, अल्लाह फक भी कुरान में जिक्र कर रहा है कुल्लू मन अलैया फान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि जब मैं कनाडा गया था तो उस ज़माने में मौलाना तारिक जमील जो हैं वो कनाडा आए हुए थे रिस्क कॉन्फ्रेंस में, और उस रिस्क कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर उन्हें इस्ना मस्जिद में बुलाया गया, क्योंकि इस्ना जो है वो स्पॉन्सर है, वन ऑफ द स्पॉन्सर्स ऑफ रिस्क, तो वहाँ पर उन्होंने आके स्पीच देनी थी। तो जब मैं चूँकि इस्ना मस्जिद गया था एक टूर करने के लिए, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर उन्होंने आना है, और उन्हें वहाँ पर हार्ट अटैक हुआ कनाडा में मौलाना तारिक जमील साहब को, और वो उस इवेंट में नहीं आ सके, इवेंट कैंसिल हो गया। तो जब इस पर एक दो वीडियोस हमने बनाई तो लोग बड़े भ्रम हुए, नाराज़ हुए कि सर आप एक ऐसे इंसान को कवरेज दे रहे हैं, इस तरह के इंसान को आप कवरेज दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्या मतलब है इस तरह के इंसान को। तो एक भाई ने कहा कि सर मैं आपको एक वीडियो क्लिप भेजता हूँ, आप ये देखिए। ये वो शख्स है जो कहने को मौलाना है, अपने आप को इतना बड़ा आलिम कहता है, और बैठकर रोता है, गिड़गिड़ाता है, लोग इससे बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन अकेले में ये कुरान का मजाक उड़ाया जाता है इसके सामने और वो उस पर हंसता है। ये कुरान को लतीफ़ों में इस्तेमाल कर और फिर उसके ऊपर ये मौलाना होकर हंसता है, इसके सामने गंदे लतीफ़े सुनाए जाते हैं जिनमें बेहुदा बात होती है, वो उस पर हंसता है। मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, कह रहे सर आप देखें। और मैंने देखा तो मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ कि रियली क्या ये वो लोग हैं जिनके पीछे लोग आके खड़े होते हैं और इनको डिफेंड कर। मैंने इतनी दफ़ा इनकी बाज़ चीज़ों से मैंने आपको बताया है चैनल के ऊपर कि सलमान खान की तारीफ़ करने लग गए हालांकि वो बुत परस्ती करता है, तो लोगों ने कहा जी उन्हें इल्म नहीं होगा। मैंने कहा आमिर खान जो है उसकी ऐसी तारीफ़ें कर रहे थे कि पता नहीं कोई वलीउल्लाह है, वो जाके वापस इंडिया में पूजा पाठ कर, तो कहते हैं जी उन्हें खबर नहीं होगी उसकी। मैं कहा चलें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, और यहाँ पर भी आपको खबर ना हुई कि आपके सामने कुरान का मजाक उड़ाया जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात। और अब नीचे आकर ये ना कहना कि मौलाना पर कोई कीचड़ उछाल रहे हैं या कोई इनसे जलते हैं, या चूंकि इनका ताल्लुक फला मकतबे फिक्र से है, इसका ताल्लुक किसी मकतबे फिक्र से नहीं है, इसका ताल्लुक एक इंसान से है जो अपने आप को आलिम दीन कहता हो और फिर उसके इस किस्म का तर्ज अमल हो। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत तकलीफ हुई, रियली आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मुझे नहीं पता था कि इनका ये आलम है, वरना मैं फिर वो कभी बताता भी नहीं मैं कि कनाडा में आए हुए हैं। आई एम नाउ फीलिंग बैड कि व्हाई डिड आई इवन टॉक अबाउट हिम। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद कादरी।